हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड वर्क बाय भागीरथी। आज मैं आपको सिखाऊंगी फादर्स डे कार्ड। यस, एज आपको पता है फादर्स डे आने वाला है, तो फादर्स डे कार्ड मैं आपको सिखाऊंगी। दीज आर द मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है। आपने ब्लैक कलर का रेक्टेंगल पेपर लेना है और वाइट कलर का रेक्टेंगल शीट लेना है, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। देखिए, जैसे कि इसमें मैंने किया हुआ है, एक को दूसरे वाइट को ब्लैक पेपर के ऊपर रखना है एंड अप्लाई करेंगे फेविकॉल, या फिर आप ग्लू स्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसको इसके सेंटर में आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जब आपका पेस्ट हो जाएगा, इसका वन साइड लेना है आपने। पहले आप कोई भी एरिया ले लीजिए, जैसे मैंने लेफ्ट लिया है, देन राइट साइड फोल्ड किया है, दोनों को हमने फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड हो जाएगा उसके बाद आपने, जैसे मैंने, देखिए किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ पेपर को, हाँ इस तरीके से ही आपने सेम फोल्ड करना है। और सेम एज अपने राइट साइड भी आप ऐसे ही फोल्ड करेंगे। इसके बाद आपने एक पेपर लेना है वाइट कलर का, उसको हाफ इंच आप फोल्ड करोगे। फोल्ड होने के बाद आप सीजर से कट करेंगे, जैसे मैंने इसमें किया है। और यहाँ पर फेविकॉल अप्लाई करके इसको पेस्ट करेंगे। जब आपका पेस्ट कर दिया आपने, जब आपका पेस्ट हो जाएगा, आपने कॉलर को फोल्ड करना है, जैसे इसमें मैंने किया है। इसके बाद आप टाई ड्रॉ करोगे और इसको कट करोगे। कट होने के बाद ऐसा लगेगा, एंड इसको आपने पेस्ट किया है। देखिए, ये कोट टाइप में बन गई बेसिकली। एंड देन अगेन, ऑब्वियसली कोट है तो फिर नैपकिन भी आपको बनाना है, तो हैंडकरचीफ बनाने के लिए हमने अगेन इसको कट किया है पेपर से ही। और जिस कलर का आपका टाई हो, ट्राई करो आप उसी कलर का हैंडकरचीफ बनाओ। एंड यहाँ पर हमने इसको ग्लू अप्लाई करके पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा और वैरायटी के लिए मैंने इसमें पॉकेट्स के लिए अगेन मैं 2 स्ट्रिप्स कट करूँगी, देखिए। एंड इसको मैं फोल्ड करके, पतली सी स्ट्रिप्स को कट करके मैं अगेन अपने इस कोट में पेस्ट करूँगी। देखिए, पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट होने के बाद आपका कुछ ऐसा लगेगा। ये आपका कार्ड बन गया है, ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हमने कुछ इसमें मैसेजेस लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक स्ट्रिप कट करा है जिसमें मैंने हैप्पी फादर्स डे लिखा है, आप इस पर डायरेक्ट लिख सकते हो, और यू कैन किसी और पेपर पर लिख के भी आप कट करके पेस्ट कर सकते हो। ये हमारा कार्ड खोलने में ऐसा लगेगा। यहाँ पर आप मैसेज लिखेंगे अपने फादर के लिए, सो दैट ही विल फील हैप्पी। एंड मैंने लास्ट में मैंने एक रिबन कट किया है। आप इसकी जगह पर आप कोई भी ओरिजिनल रिबन का यूज़ करके इसको टाई कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ पेपर से, आप ऐसे कर लीजिए। इसको ऐसे फोल्ड किया एंड सेकेंड वाले को ज्वाइन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।